जब राजनाथ ये ऐलान कर रहे थे उस वक्त सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के चेहरे जैसे उतरे हुए थे। दोनों राजनाथ के साथ तो बैठे लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला। आमतौर पर सुषमा हर मुद्दे पर कुछ न कुछ जरूर बोलती हैं, लेकिन मोदी के ऐलान में उनकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। इसी विरोध के मद्देनजर मोदी ने सबसे पहले आडवाणी को मनाने की कोशिश की। मोदी ने आडवाणी से फोन पर बात की और ये बात अपने ट्विटर से जाहिर किया। आडवाणी जी से फोन पर बात की, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। उनका आशीर्वाद पाकर खुद को बेहद सम्मानित और आभारी महसूस कर रहा हूं। इसके कुछ ही देर पहले नरेंद्र मोदी ने चुनावी चैलेंज को स्वीकार करते हुए ट्वीट किया था। मोदी ने कांग्रेस के भारत निर्माण के प्रचार की खिल्ली उड़ाई। वरिष्ठ नेताओं ने मुझ पर भरोसा किया है, हम कांग्रेस मुक्त भारत के निर्माण में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। समर्थन और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। खबर है कि मोदी आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार का काम जल्द ही शुरू कर देंगे।